नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। कोंडागांव में महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ कुछ बाहरी लोग आदिवासी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं का यह आरोप है कि मनचले उनसे छेड़छाड़ करते हैं और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को यहां पर गिरफ्तार भी किया है, लेकिन इसके बाद भी मनचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसके चलते शहर में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आदिवासी समाज की युवा अध्यक्ष ने भी पीड़ित महिलाओं का यहां पर समर्थन किया है और मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। विधवा का मेरा फायदा उठाया, मेरे साथ बात करते करते बहुत आगे प्यार तक ले गया, प्यार मोहब्बत तक। उसके बाद फिर मेरे को शादी का झांसा भी दिया, मेरे साथ जबरदस्ती कुछ कुछ किया भी। तो शादी अभी मैं नहीं करूंगी बोली तो मेरे को धमकी दिया। थाना में गए तो थाना में भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मेरा काम हो जाता है ना, पहले सब बस स्टैंड में बैठे रहते हैं तो लड़की लोग आना जाना, कई लोग दुकान जाते हैं, कपड़ा दुकान जाते हैं, कोई कहीं शॉप जाता है, तो आधे समय लोग छेड़छाड़ करते हैं। तो ये लोग को कई बार हम लोग समझाए भी है कि ऐसा मत करो, तो ये लोग समझते हैं। और ठेकेदार से भी शिकायत करो ना तो ठेकेदार बोलते हैं ठीक है हम समझा देंगे, लेकिन वो लोग कुछ समझाते नहीं है। बाद में फिर उधर से धमकी आता है कि तुम लोग को कट्टा से वो करके चले जाएंगे, तुम लोग को उड़ा के चले जाएंगे। अधिक जानकारी के साथ कोंडागांव से हमारे सहयोगी चंपेश जोशी लाइव जुड़ गए हैं। चंपेश, महिलाओं की सुरक्षा पर यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिलाएं हमारी कितनी सुरक्षित हैं। जब शिकायत ये दर्ज कराने पहुंचती हैं तो मनचले इन्हें धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी इन्हें दी जाती है। सवाल ये कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी मनचलों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं? देखिए, जिस तरह कोंडागांव की अगर बात आती है तो कोंडागांव हमेशा शांत प्रिय और नगर के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन बीते कुछ महीनों में ऐसी वारदातों से कोंडागांव की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उसके बाद अननोन नंबर से कॉल आते हैं, धमकियां दी जाती हैं। तो इस तरह की वारदात ये हम नहीं कह रहे हैं, वो महिलाएं आप बीती बता रही हैं। जी मीडिया पर खुलकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह शाम होता है और जहां सुनसान जगह होते हैं वहां पे अननोन चेहरे आते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उनके साथ बदसुलूकी की जाती है। कुछ हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, महिला तो चंपेश से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बेखौफ मनचले और जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहरी कुछ लोगों पर आरोप है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। फिलहाल कार्रवाई के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन यहां पर जरूरत है कि ऐसे जो मामले हैं वो थमे और पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिले। जब शिकायत की जाती है इन महिलाओं की ओर से तो जान से मारने की धमकी जो मनचले हैं वो इन्हें देते हैं। तो महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं वो एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है, पुलिस ने गश्त भी बढ़ा दी है ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके, लेकिन मनचलों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि महिलाओं को धमकी भी दी जाती है शिकायत करने पर। चंपेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंपेश, आपके साथ कुछ लोगों की मौजूदगी है, जरा उनसे बातचीत कीजिए, किस तरीके से इस वारदात को खत्म किया जाए, क्या कुछ वो झेलने को मजबूर हैं और कितने वक्त से ये सब चल रहा है? देखिए, फिलहाल हम आदिवासी युवा अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि आप ये बताइए, इस तरह के जब बस्तर कोंडागांव तो खास करके शांत प्रिय जगह रहा है तो किस तरह की वारदातों को अंकुश कैसे लगाया जाए? लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो बाहरी असामाजिक तत्वों के द्वारा लगातार यहाँ पे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, यहाँ के भोले भाले आदिवासी लड़कियों को या अन्य समाज की भी लड़कियों को बहला फुसला कर शादी के झांसे देकर शादी किया जा रहा है और उनको बाहर ले जाकर उनके साथ अनाचार अत्याचार जैसे मामले सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर से मतलब काम के बहाने में यहाँ के लोगों का पलायन किया जा रहा है, उनको बहुत सारे घटने ऐसे भी सामने आए हैं कि वहां पे इनका मालिक इनको बंद करके काम करा रहा है, इनको धमका के काम करा रहा, इनके साथ अनाचार करने जैसा धमकी इनको दिया जा रहा है। तो लगातार ये जो घटना का अंजाम है अभी आपको देखने को मिला है, जैसा कि गांधीवाड़ में जो घटना आज हुआ है, जो एक आदिवासी महिला थी जिसके साथ कुछ
यहाँ पे जो टाइल्स का काम करने के लिए बाहरी लोग आए हुए थे, उन्होंने उसके साथ गलत किया है और मामले से फरार थे और उनको फिलहाल पुलिस प्रशासन के अंकुश द्वारा, अंकुश कैसे लगाया जाए? इनको अंकुश लगाने, बाहरी लोग आ रहे हैं, बाहरी लोगों को इसमें जिला प्रशासन को तत्काल में इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए। पहला ये है कि जो गांधीवाड़ में आज क्वार्टर जहां हमारे लोगों को नहीं मिल पाया है, यहाँ के निजी स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया है, वहां पे इन बाहरी लोगों को लाके बसा दिया गया है। ये बहुत बड़ी चूक हुई है कहीं ना कहीं से प्रशासन होने से। की जरूरत है कि आदिवासी बिल्कुल शिनाख्त होने की जरूरत है, ताकि क्या है, आज आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो चौपाटी में अपना जीवन बसर करने पर मजबूर है और गांधीवाड़ के जितने क्वार्टर है वहां पे इन लोगों को लाके बसा दिया। हमारे साथ ये महिला भी है, आप बताइए अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है आप? क्या लगता है, डर लगता है? अब डर लगता है आपको? क्या क्या लगता है, सुरक्षा होना चाहिए? जी सुरक्षा होना चाहिए, और बाकी ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे गलत लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अच्छा जी, जब रात के आप लोग घर से निकलते हैं तो डर लगता है चलने में शहर में? जी। पुलिस दिखती है कि नहीं दिखती है रास्ते में? पुलिस कहीं दिखती है? देखिए इनके साथ, जिनके साथ हम बात करवा रहे हैं, हालांकि इनके साथ भी ये घटना घट चुका है, इसीलिए ये सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, और जो अध्यक्ष हैं उनसे फिर से बात करवाते हैं कि किस तरह इसका कार्रवाई की जा सकती है। जो बाहरी लोग हैं, हो सकता है उनके उन पर किसी तरह के आपराधिक मामले भी हों, इन्हें। ठीक है चंपेश, दोबारा जुड़ेंगे आपसे। वो कहां से? और चंपेश एक सवाल ये भी है कि लगभग ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसी जो वारदातें हैं वो हुई हैं, वो घटित हुई हैं, ये बताइए। और अभी तक पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसी वारदातें छेड़छाड़ के सामने आई होंगी, तो पुलिस की उन मामलों में क्या कार्रवाई, क्या तत्परता देखने को मिलती है? देखिए इस मामले पे पुलिस की कार्रवाई तो देखी गई, फिलहाल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं उसके बाद वो धमकी देते हैं, मतलब कार्रवाई के बाद भी ये मंचलों के हौसले कितने बुलंद है, इससे बात से समझा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई का असर देखने को नहीं मिल रहा है। पेट्रोलिंग और बढ़ाने की जरूरत है, और खासकर उन लोगों को शिनाख्त करने की जरूरत है, क्या इनके पर किसी तरह के आपराधिक मामले में अन्य राज्यों में तो दर्ज नहीं है, किस प्रवृत्ति के लोग यहां पर बस रहे हैं, खास करके जो फेरी वाले आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आते हैं और दो जान चार दिन और सप्ताह भर रह के चल देते हैं, ऐसे लोग इस घटनाओं को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। मैं फिर से उनसे बात करवाता हूं कि किस तरह की घटना को रोका जा सकता है। इस तरह इन लोगों के ऊपर टोटल इनके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इनके बारे में किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी प्रशासन के पास नहीं है। जो इन लोग कंटिन्यू लाइन ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए ये लोग पाए गए हैं, लगातार इन लोगों का किसी भी प्रकार का ना कोई आइडेंटिटी है, और यहाँ पे फर्जी आधार कार्ड भी कुछ लोगों का पकड़ा गया है जिसकी जानकारी प्रशासन के पास है, मगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कि ये आधार कार्ड कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन इनको सहयोग कर रहा है कि ये आधार कार्ड इस तरीके से इनका यहाँ का लोकल आइडेंटिटी इनके दिया जा रहा है। बिल्कुल, इन लोगों को यहाँ पर चिन्हित करने की जरूरत है। और एक बार मैं चाहूंगी कि जो पीड़िता है उससे एक बार आप फिर से बात करने की कोशिश कीजिए, हालांकि वो डरी सहमी हुई है, लेकिन अगर वो कुछ बता पाए कि किस तरीके से उनके साथ वारदात हुई और वो क्या कुछ मांग कर रही हैं। देखिए इनके साथ, पहले मैं बता दूं कि इनके साथ घटना हुआ है, इनके साथ अनाचार किया गया है, गैंगरेप का मामला था, हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन उनसे जानते हैं क्या आपके साथ भी घटना हुआ है, तो आप क्या चाहती हैं, कैसे हुआ आपके साथ, कब की घटना है? 9 अगस्त। 9 अगस्त की क्या हुआ था? तो हम लोग उस दिन केस कर गए थे, केस का मशीन का कपड़ा मशीन खरीद कर गए रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, 5 बजे के आसपास हम गाड़ी बैठे केस काल से, केस काल में फिर बेड़मा चौक पहुंचे, तब लड़का मन बोलिन कि हम छोड़ देबो सकिन और छोड़ देबो बोलिन, और मन बोलिन कि एक ठन मतलब 2 ठन बाइक में आने के बाद मन छोड़ देबो कहिन, और पेट्रोल पंप लेकिन सिंगनपुर पेट्रोल पंप, लेकिन पेट्रोल पंप में आने के बाद मन बोलिन घर छोड़ देबो बोलिन, तब मन बोलिन घाव कहिन और उसी तक के प्लाट लेकिन। देखिए हमारे साथ दूसरी पीड़ित महिला भी आ चुकी है, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ घटना हुआ था, आपको कितना डर लग रहा है? मेरे को तो अभी बहुत डर लग रहा है, ये हादसा देख देख दिनों दिन इतना हादसा बढ़ रहा है, घर तक
अब घर में रहने के लिए भी डर लगता है हम लोगों को तो। जब आप चलती हैं तो आपका पीछा भी किया जाता है क्या? कहीं भी देखने से मतलब पीछे से कोई आ रहे हैं ऐसे लगता है। अच्छा, आपके साथ क्या घटना घटा? मेरे साथ भी तो वैसे हुआ ना, मेरे को प्यार के झांसा में फंसा के शादी करूंगा ये करूंगा बोल के, मेरे को रखूंगा ये करके, मेरा पूरा सोशल मीडिया मतलब वो रिकॉर्डिंग कर करके रखा था पूरा, मैं नहीं करूंगी बोली तो पूरा मेरा वीडियो वायरल कर रहा है। वीडियो भी वायरल कर दिया? फोटो वीडियो मतलब अपने लोगों के साथ जोड़ जोड़ के वायरल कर रहे हैं। आपके साथ आपके एक फ्रेंड भी थी कल जिनसे बात हुई, उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ भी वो भी बता रही थी कि ऐसी मेरे को छेड़खानी कर रहे हैं बोल के। अच्छा, ये किस समय होता है बता रही थी? रात में होता है बोल रही थी, जैसे सब अब दुकान जाते हैं कहीं जाते हैं तो रात में 7 बजे 8 बजे के बीच छुट्टी होता है, तो घर जाते समय बीच बीच में लड़के लोग छेड़खानी करते हैं बोल। अच्छा, पुलिस हुआ था अभी आज के वाले लोगों के साथ मिल के संगठन वाले पूरा भाई बहन सबके साथ मिली वहां, तब गई ना तो अभी पूरा एसपी सर तक ही मैं गई, वहां भी मेरे को एसपी सर भी दिलासा दिए कि आप मत डरो हम हैं आपके साथ बोल के। देखिए, पुलिस भी आश्वासन दे रही है, दिलासा दे रही है, हौसले इनका बढ़ा रही है, लेकिन कार्रवाई और सख्त होने की जरूरत है क्योंकि कोंडागांव में ऐसे मंचलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये एक दो मामले नहीं है, ये जी मीडिया आज सामने दो महिलाओं को जरूर रखा है लेकिन इनके पीछे और भी महिलाएं हैं, और लेकिन जब संख्या बल की बात होती है, जब ऐसे मंचलों की संख्या की बात होती है तो महिलाएं बताती हैं कि बिल्कुल चंपेश जरूरत है कि इन्हें चिन्हित किया जाए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।